वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 1 फरवरी 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम HDFC लाइफ के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि हम इसे शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करें, क्योंकि जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रही है, HDFC लाइफ का मंथली चार्ट है और यहां से 2018 में एक रैली हमें देखने को मिली 537, उसके बाद करेक्शन 355 से एक रैली देखने को मिली 634, फिर एक कोरोना के चलते करेक्शन 348 से प्रीवियस हाई के ऊपर भी एक हाई लगाया है 729। और अभी भी अगर हम इस मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लास्ट मंथली जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो परफेक्टली यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उसके चलते किसी भी प्रकार का डाउनसाइड ट्रेड हमें ये स्टॉक करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और इसने लगभग अपने एक हाई प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलेंगे हम क्वार्टरली रिजल्ट पे, क्योंकि जब बात होती है पोजिशनल इन्वेस्टमेंट की तो क्वार्टरली रिजल्ट, और हमने उन स्टॉक को लिया है जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। HDFC लाइफ भी निफ्टी 50 में इंक्लूड है। दिसंबर 2019 के अगर सेल्स देखेंगे हम तो 11,707 था, वो मार्च 2020, जून 2020 और सितंबर 2020 में जो सेल हमें देखने को मिला वो एक इंक्रीजिंग नंबर्स थे, लेकिन अगर हम दिसंबर 2020 के जो सेल्स के नंबर्स से उनको कंपेयर करेंगे प्रीवियसली क्वार्टर के साथ में, तो यहाँ पे डबल 21,242 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिल रहा है। यही इंपैक्ट हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 251 जो था दिसंबर 2019 में, उसमें भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस स्टॉक को हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, मैक्सिमम 9 मंथ के लिए। तो अब चलेंगे हम चार्ट्स की ओर। प्रीवियस हाई को अगर हम देखेंगे तो 648 का प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर स्टॉक ने एक हाई लगाया, उसके बाद हमें फिर से करेक्शन देखने को मिला मंथली चार्ट पे, और अगर लास्ट 2 मंथ के कैंडल्स को देखेंगे तो फिर से एक अपसाइड जर्नी ये स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम इस स्टॉक को चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मैंने इस लो और इस लो को कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी रैली, करेक्शन, फिर से एक रैली, हल्का सा करेक्शन और एक रैली, यहाँ पर फिर एक करेक्शन और फिर से ये स्टॉक एक नई रैली करने के लिए रेडी है। 750 का जो है वो फर्स्ट टारगेट इसका आने वाले वीकली शॉर्ट टर्म ट्रेड में हमें देखने को मिल सकता है। अब चलेंगे हम डेली चार्ट पर। जैसे कि हमने देखा स्टॉक का मंथली ट्रेंड अप है, वीकली ट्रेंड अप है और यहाँ पर जो डेली ट्रेंड वो डाउन था, और ये जो आपको दिख रहा है 674, तो इस प्राइस पे आने के बाद यहाँ फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट हुआ। इस डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस ने फिर से एक अच्छी खासी हमें रैली दिखाई। अगर ये कल या परसों आने वाले ट्रेडिंग सेशन प्राइस यहां से पलट कर अगर यहां तक आ जाता है 682 से लेकर तो 672, ये 10 रुपीज का अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 730 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा 750 का। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये डिमांड जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ये मैंने इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि ये अपने ट्रेंड लाइन का भी रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से हम एक अच्छी खासी अपसाइड रैली इस स्टॉक में देख सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो ये था HDFC लाइफ का टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम अपने बाइंग लेवल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।